चला जाए अब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आ जा मेरे पास। सो व्हाट्स अप गाइस, एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और ताज़े से ब्लॉग में। सो आज है 1st of October 2024, एंड आज है 1st of October 2024, एंड आज टाइम हो रहा है 10 o'clock, एंड वॉलेट निकाल लिया मैंने। तो अभी की बात करें तो अभी हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ, मंदिर जाना है। एंड मंदिर जाने से पहले मुझे एक प्लॉट पे जाना है। दरअसल में किसी ने मेरी प्लॉट पे रोड़ी बनाने की तैयारी कर ली, मतलब रास्ता झाड़ी साफ करा के रास्ता बना रहे हैं अपने घर जाने के लिए, क्योंकि उनके घर का रास्ता ब्लॉक हो गया। तो वहाँ जाके एक बार देखते हैं कि क्या सिनेरियो है, क्या चीज़ है, उसको एक बार रेक्टिफाई करते हैं, उनसे बातचीत वार्तालाप करते हैं कि उन्होंने टेम्परेरी बेसिस पे करा है या फिर उन्हें चाहिए मेरे प्लॉट से रास्ता या क्या है। अगर चाहिए होगा तो वील फिगर इट आउट। अब दूसरी चीज़, अब दूसरी चीज़ के बारे में आते हैं, उसके बाद जाएंगे मंदिर, अभिषेक उठाएंगे, मंदिर जाएंगे, एंड यही कुछ रहेगा आज का सिनेरियो। ये वाला हेलमेट नहीं लेके जा रहा मैं आज, बिकॉज सही नहीं लगता, पता नहीं क्यों मंदिर जाने में ये वाला हेलमेट। ऐसा लगता है कि मैं व्लॉग के पर्सपेक्टिव से जा रहा हूँ मंदिर, बट ऐसा नहीं है। तो चलते हैं आज एंड निकलते हैं यहाँ से, ये सारे काम निपटाते हैं। और आज ज़्यादा कोई काम नहीं है, पहला काम है हमारे पास वो, क्योंकि कल भी मैं छुट्टी में था, आज पहला काम है हमारे पास वो प्लॉट वाला रेक्टिफिकेशन। उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगा, मंदिर के बाद मैं ऑफिस आऊँगा, एक मीटिंग है, मीटिंग के बाद मैं अपनी बुआ जी के पास जाऊँगा। बस यही 4-5 काम है हमारे पास, और कोई काम नहीं है फालतू के, और कोई काम नहीं है आज। ओके गाइस, ओके मेरा भाई, तो चलते हैं और इस काम को निपटा कर आते हैं। ओके ओके भाई, जब एक चीज़ दिखाना भूल गया तुम्हें मैं, ये पेपर्स मुझे अभी कुछ दिनों पहले, मतलब सामान रखे थे मैंने फाइल्स में थे, तो मैंने निकाल के रखे हुए थे, मैंने कहा मैं दिखाऊंगा तुम्हें। ये तो देखो, इसमें तो क्या भयंकर ही हो रखा मेरा हाथ। और एक ये था क्लास 12D 2018 से 2019 तक, ये प्रिंसिपल मैम, ये हमारे क्लास टीचर्स थे 12th के, एंड ये और ये सारे हमारे क्लास के बच्चे। ओके गाइस, ओके मानो भाई, चलते हैं। हाँ भाई, जो तुम ये रफ देख रहे हो ना, इसमें तो समय होना है अभी, मेरी टीम फ्री हो जाए तो वाइट वॉश का काम, क्योंकि अभी तो होएगा भी नहीं, क्योंकि अभी तो बरसात ही नहीं ख़त्म हो रही, वाइट वॉश का काम करेंगे फिर शुरू। इस रूम का पेंट भी थोड़ा सा अलग देखेंगे इस बार कुछ। ओमके गाइस, ओमके मानो भाई। One hour later. Good morning guys. Started the vlog. मंदिर क्योंकि आपने पिछली बार बोला था ना, क्या बोला था मैंने यार, 2 बजे बाद तक करी लगा रहा आपसे, ये बोला था यार, 5 बजे के बाद आना सही रहेगा, आपने बोला सुबह ही आएंगे कल को, ये बोला था क्योंकि बारिश होती है, बोल दिया होगा गलती में, पर हम आ जा रहे हैं, शाम को थोड़ा सा दिक्कत है आज दिक्कत है शाम को, अच्छा ठीक है। भाई लोग ये पीछे से ना अपनी बैलेंसिंग खुद करने लग जाता है, एक तो ये मैं निकाल रहा था अपनी बैलेंसिंग, पता नहीं क्यों करता है पीछे से, पागल दिख रहा हूँ, पैर तुड़वा ले, मैं मतलब पैर तुड़वा रहा तेरे डेली, नेवर नो यार, डेली का तो नहीं क्या पता आज टूट जाता, तो मैं बेवकूफ समझ रहा था, मैं अपना डायलॉग मार दूँ फिर तुझे, क्या बताओ मारो, इतनी तेरी उम्र नहीं होगी तेरे से गाड़ी चला के छोड़ दी, मुझे क्यों तोड़ा, अरे वो जनाब पीछे थोड़ी बैठे होगे जितना मैं बैठ गया पीछे, मैं तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, आपने चलाया होगा, तू है तो दिल धड़कता है, अच्छा हमको सिखा रिया है क्या, मेरा मैं याद है ना, देख
ला रखे रोड पे। कैमरा सही टाइम पे खुला था कभी तुम्हारा? अरे नहीं यार, एक तो ईवी ऊपर से लोडर बना दिया भाई। हो हाँ, एक बंदे ने ब्लॉग देखा, हाँ उसने सीधा नंबर ही देख लिया गाड़ी का। कौन था भाई वो नीचे कमेंट में? मैंने डिलीट मारा, लिख देते ना सही था। चला अगर पता है तो प्लीज लिखो मत यार नीचे। मैं ब्लर कर रहा, तुम ही बता रहे यार। वो 000 जा रही ऑल्टो। कभी चलान मारो इस पे, बैल देंगे ऑल्टो की। हम पे डैश कैम देना, इसलिए हम ऐसी कैमरा खोल के चलते हैं। हमारी गाड़ी ठीक है, हम ऊपर हैं भाई, ऊपर हैं भाई। बड़ा हरामी हो बेटा। अब तू गया बेटा। ओबे कहाँ से निकल गया भाई? कहाँ से निकल गया के गड़ा? सलमान भाई, सलमान भाई। चलान मारो चलान। इसका नंबर ना चाबी बंद कर दिया। क्या बोला तूने? करा कभी ऐसा? नहीं यार, चल रही थी बाइक, चल रही पकड़ में गया, चाबी बंद कर दी अनजान की। नो, मैंने किया वा। बड़ा हरामी हो बेटा। पकड़ लेगी थी उसकी तूने? वो गाइस, वो आज ना भड़काने वाला बनता है वो। साइकिल चला रहे लोग तो जितने तुमने चालान कटवा दिया ना आज। प्लीज पुलिस वाले भाई प्लीज, जितने तुमने चालान के लिए वीडियो बना रखी ना, इतने में तो हमारा उत्तराखंड का बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसी यार यार देश का फायदा करना चाहता है। कर रहे क्या कर रहे? हाँ हाँ, ऐसे करके ऐसे नहीं निकालना है। गाइस शार्क पिन एंटी ना इसमें कैसे है? आता है इसमें? आता है भाई। तो फिर ठीक है, मत करो इसका चलान। पर नंबर प्लेट वैसी वाली नहीं है, आरटीओ वाली। गाइस चलान करो पुलिस वाले निकल। मानव जी समझा ले वे। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। गाइस वीडियो बन चुकी है और नंबर मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ओके उत्तराखंड पुलिस। तीन क्या दी जा रहे हैं इसमें? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? वो तीन क्या दी जा रहे हैं इसमें? इसमें? तीन क्या दी? ओहो। अरे वो कैंडी लगाना चाह रहे होंगे। एक चीज देखी तूने आज? क्या देखी? हाँ। बदतमीज से चलाओ ना। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं होती। इज्जत से चलाओ, चलिए ऐसे रुके रहते हैं। अरे नहीं उठेगी इतनी जल्दी यार, रात भर से तो उठी होगी शायद। हम कौन से दो दिन बाद आएंगे वापस? क्या ऐसे? हाँ ठीक है, चढ़ने के लिए रोड नहीं मिल रही अब। चढ़ तो जाएगी, नीचे तो लगेगी।
ये कोई गाड़ी तो ऐसी है जिसने मुझे घाटा नहीं दिया, इतने पैसा लगाने के बाद भी घाटा नहीं मैं नहीं गई। वो कौन सी? बस जो तुझे मैंने बोली, इन्हें इसमें थोड़ा बोलना है। ओके, मतलब वैसे तो घाटे में ही गई। हाँ। अब ये तो नहीं है ना कि मैंने जितने के लिए उतने की बची। हाँ, पर काम करके, काम करवाने के बाद लोगों ने 6-6 लाख में बेची। हाँ। और मेरी अच्छे रेट में। भाई यही होता है कि जब हटके गाड़ी बनती है ना और सामने वाले को तुम्हारी उस गाड़ी की वर्थ पता है तो वो अच्छे रेट में जाती है, पर ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता ना। लगा लिया उसमें वो ना, तो वो गलत पर्दे टांगने वाला पाइप भाई लगा ले वेल्ड करके ना भाई। माना भाई वो नहीं तो वो गलत पर्दे टांगने वाला वो पाइप उसी के बम्पर बना लिया उसमें। ए तो मिल गई, वो मिल गई भैया। खोज हमारी ना जारी रहती है, खोज सफल हो जाती है हमारी, खोज तो हमारी सफल ही रहती है यार। इतनी भीड़ क्यों सी हो रही? भीड़ तो हो रही है ना भाई। मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। मैं भी अरे एक बात तो तुम। हाँ। वैसे मुझे सुबह 7 बजे भूख लग जाती है। हाँ। आज नाश्ता नुश्ता कुछ नहीं करा। यस। और तबियत बिता, अब तक भूख नहीं लगी। बस महावीर विक्रम बजरंगी केसरी नंदन के पिता महादेव। ये लो अच्छा, ये लोगे नहीं? ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। ले आंटी उड़ा देता हूँ तुम्हारा भाई। अरे हाँ दोनों जाना है, जबरदस्ती मारो साले। रैपट एक क्या? रैपट मारो, मेरी भी बचा देंगे क्या? ले जा रहा बांस श्रेष्ठ। कहाँ है वो माना भाई? इतना भी रोड पे नहीं जाना। ले लेता ना ले लिया बस स्कूटी कहाँ लगा दी। तो गाइस माना भाई ने आज वो 4 लड्डू खरीदे हैं 20 रुपए की डाउन पेमेंट करके, 40 रुपए की EMI बनाई 5 सालों के लिए। क्या क्या ये होते हुए? हाँ ये जरूरत है क्या पता? 60 रुपए के लड्डू के लिए मैं गाइस इस वाली में ठीक है, जो भी मैं जो भी इस आदमी से मिलेगा इस वाली जेब में के पास जाना ठीक है। घर पे पीछे ले लो यार। अच्छा आगे तो निकल गया। पैसे लेगा? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। पैसे
कंटिन्यू है। पता नहीं कहाँ से निकल रहे है। अरे ये वाली मेरे को मिल रही है I-20। जल्दी जल्दी में बता रहा बीट का। जल्दी ले जा लोगी। और वो पोलो भी नहीं बिकी उसके भी तक। भेज दे से जल्दी बता रहा मैं। मिले तो 10-20 हज़ार रुपए कम पड़ेंगे तो मैं कर दूंगा। इतना है मेरे। 20 तक भी कर दूंगा। 20-30 तक भी कर दूंगा। ब्लॉग में बोल दिया क्या मैंने? हाँ यार कटिंग करनी पड़ेगी अब। अरे और दिया जब पोलो अकल घर छोड़ गया यार। क्या बोल रहे थे? अरे चश्मा पहन लिया उसने। उससे पहले कुछ बोल रहे थे इस साइड। बोलो अच्छा देख ली वो यार। ये मिल जाए इको स्पोर्ट मजा आ जाए। उस समय मिल रही थी तुमने ली। उस समय क्या करना लेके। हाँ यार ऐसे ठीक थी वो भी। नाइस ब्रेजा ले ले DDIS में। सच बता रहा फिर तो मैं ट्रिप ही तेरी गाड़ी से मारूंगा। भाई लोग जैसे मैं हेल्पफुल नेचर का हूँ भाई लोगों को बोल रहा। वैसे ही थोड़े बाद ये भी बन जाए ना हेल्पफुल नेचर के। तो अभी करना किसी की हेल्पफुल करके मतलब मेरे किसी को मैं किसी में आ गया। अरे अरे यार गाइस इसने मेरे को पराया कर दिया। दूसरों की बात कर रहा है। तो एक भाई आया बोलता फोटो क्यों ली। मैंने मेरा फोन मैंने ली फोटो मेरी मर्जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तेरा डिलीट मारगी कौन है? बाहर मिलेगा ना एक तो पर तीन थप्पड़ है। पांडू पांडू समझ रहा हूँ। मैंने चलना ना गाड़ी का इंश्योरेंस था ना पॉल्यूशन था। भाई ना गाड़ी का इंश्योरेंस है ना पॉल्यूशन है। और 1% की गारंटी है ड्रिंक एंड ड्राइव होगी। मुझे क्यों तोड़ा? क्योंकि बुलेट की मारी हुई इसने। बुलेट वाला बंदा हॉस्पिटल में बेचारा तो बुलेट में मार दी भाई। हमने 1 किलो आलू 1 किलो मटर 1 किलो टमाटर हो गए 1,500। ये फंस गया सी है। तो हम जा रहे घर। अरे आग मूतरी सब्जियां इतना जमीन आया था जितने में इन लोगों ने सब्जियां लगा रखी। बढ़िया जमीन में उगाते हैं। काम जब तक काम पे काम ठीक है ना। हाँ सारे सब्जियां ठीक हो रही थी। क्या कहता? क्या कहना? कुलचा कॉर्नर। कॉर्नर तो है नहीं यार वो बीच में है। और फंसा दो बेचारे को। और फंसा दो तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। गाइस आईएम आ रखे पहली दफा जब नजर मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम। दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।